नमस्कार, समृद्ध क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दो कलर का कार्डिगन बॉर्डर डिजाइन लेकर आई हूँ, जो इस तरह का है। हमने इसमें 23 फंदे डाले हैं और दो कलर के धागे से हमने इसमें बॉर्डर बनाए हैं। तो ये जो फंदे हमने डाले हैं, ये भी हमने दो कलर से ही डाले हैं। तो आइए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। देखिए, हमने दो कलर का ऊन लिया है और ज़्यादा फंदा अगर डालना है तो आपको बड़ा धागा लेना पड़ेगा, लंबा लेना पड़ेगा। और हम छोटा सा सैंपल आपको बता रहे हैं, जैसा कि हमने इसमें बताया है। तो देखिए, हम ये दो कलर के धागे से इस तरह से हमने फंदा डाला, इस तरह से। और अब इस तरह से हम फंदा डालते जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो नीचे की जो धारी है वो दो कलर में बनती जाएगी। ये देखिए, ये बनती जा रही है। इस तरह से हमने दोनों उंगलियों के बीच में फंदा धागा को फंसाया है और फंदा इस तरह से मैं बना रही हूँ। इस तरह से हमने, जैसे इसमें हमने 23 फंदे डाले हैं, तो हम इसमें भी 23 फंदे डालेंगे इसी तरह से। और देखिए, ये इस तरह का डिज़ाइन बनता जाएगा। ये 23 फंदे कंप्लीट हो गए हमारे। यहाँ हम गांठी लगाएंगे लास्ट में। और देखिए, ये इस तरह का फंदे के नीचे इस तरह का डिजाइन बन गया। अब हम दो दो ये जो दो धागे का हमने एक फंदा बनाया है, इस तरह से हम गिनती करेंगे। ये देखिए, ये दो है, ग्रीन कलर, ये हरे कलर और सफ़ेद कलर। ये दोनों फंदों को हम एक फंदा गिनेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5। इस तरह से हम दो फंदों को एक फंदा गिनेंगे, क्योंकि हमने दो धागों से बॉर्डर बनाया है, फंदे डाला है। तो देखिए, अब हम बुनाई एक धागे से करेंगे, दो धागे से नहीं करेंगे। दो धागे से हमने केवल फंदा डाला है। देखिए, इस तरह से हम बुने और धागा सामने किया। देखिए, इसमें जो पहली जाली पड़ी हुई है, ये पहली जाली हम डालेंगे। उसके बाद बीच में चोटी है और फिर बीच में चोटी है और दोनों साइड इसके जाली पड़ी हुई है। तो हम पहली जाली बना रहे हैं, धागा हमने सामने किया और इस तरह से हम बुनाई करेंगे। एक देखिए, ये जो बढ़ा हुआ फंदा हम इसे भी गिनेंगे, 1 2 और ये 3। ये तीन फंदे हमने ले लिए और यहाँ तीन फंदों का हम एक घटा करके एक करेंगे। तो जो ये देखिए, ये जो तीन फंदे हैं, ये बीच वाला फंदा हम सामने करेंगे और ये जो सामने वाला फंदा, इसे हम बीच में करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम दो फंदों को निकाल दिए और जो ये फंदा, इसे हम चढ़ा लिए और ये बीच वाला जो फंदा, इसे उठा करके हम इस तरह से सामने कर लिए। इस तरह से, और हम तीन फंदों को घटाएंगे। देखिए, ये जो तीन फंदे हैं, इसे हम घटाएंगे। देखिए, तीन फंदे हमने चढ़ा लिए हैं और तीन फंदों को हम ये फंदा थोड़ा टाइट हो गया है। देखिए, इस तरह से हम ये तीन फंदों को घटा करके इस सिलाई पर से हमने उतार दिया। ये तीन फंदे एक हो गए हैं और हम
फिर इसी तरह से यहाँ दो फंदे और बुनेंगे, एक और दो, दो फंदे हमने बुन लिए, फिर धागा सामने किया। चोटी बनाने के बाद दो फंदे हमने बुने हैं और धागा सामने किए, और फिर यहाँ चोटी बनेगी। ये देखिए, ये पहली जाली बनी, ये पहला फंदा बढ़ गया, यहाँ एक फंदा घटा है इधर और एक फंदा इधर से, मिलाकर दो फंदे यहाँ घटे हैं। और यहाँ देखो, देखिए यहाँ एक फंदा ये घट गया, सॉरी बढ़ गया, और एक फंदा यहाँ बढ़ गया, जाली आ गई। और हम फिर एक फंदा यहाँ और बढ़ाएंगे, ये देखिए ये बढ़े हुए फंदे को हम गिन लेंगे। ये बीच में चोटी है, चोटी के बाद एक फंदा ये बढ़ा है, तो एक दो और ये तीन, ये तीन फंदों को बिनने के बाद हम यहाँ फिर उसी तरह चोटी बनाएंगे। ये दो फंदे हमने उतार लिए, और पहला फंदा हमने पीछे कर दिया, और ये जो बीच वाला फंदा है इसे हम सामने करेंगे इस तरह से, और तीन फंदों को हम घटाएंगे। ये देखिए, एक दो और ये तीन, ये तीन फंदों को हम घटा देंगे। ये देखिए, ये तीन फंदे घट गए। पहला सलाई बुनने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, क्योंकि फंदे थोड़ा टाइट पड़ गए हैं, उसके बाद तो ये फंदे ढीले हो जाते हैं। देखिए ये यहाँ तीन फंदे, दो फंदे घट गए, और फिर हम दो फंदों को इस तरह से बुनेंगे और धागा सामने किए। ये फंदा बढ़ गया, तो देखिए तीन फंदे इधर और तीन फंदे इधर, छह फंदे हो गए, और जो सातवां बीच में जो एक फंदा है उस पर चैन बनता जाएगा। और देखिए, एक जाली हमने अभी यहाँ बना लिया है, दूसरी जाली हम बना रहे हैं इस तरह से। और हम यहाँ फिर तीन फंदों को घटाएंगे उसी तरह से, ये देखिए घट गया फंदा, धागा सामने किए, और यहाँ एक फंदा बढ़ गया। और उल्टी साइड से देखिए, उल्टी साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे इस तरह से। हम ये देखिए, जो बढ़ा हुआ फंदा है ये, इसे भी हम बुन लेंगे, ये जाली बन जाएगा। ये चोटी हमने बुन लिया, एक फंदा ये बढ़ा हुआ था, फिर हमने इसे बुन लिया। सभी फंदों को उल्टे साइड से हम उल्टा बुनते जाएंगे। धागा सामने है, धागा सामने करके हम सभी फंदों को इसी तरह उल्टा बुनेंगे। देखिए हमारा पीछे का, पीछे साइड से कंप्लीट हो गया। अब हम सामने साइड से बता रहे हैं। पहले फंदे को हमने बुन लिया, धागा सामने करके। देखिए, हमने पिछली राउंड में ये जाली बनाया था, ये जाली के ऊपर इसी तरह से जितनी बार बुनेंगे उतनी बार छोटी ये जाली पड़ेगी। तो एक दो और ये तीन, तीन फंदा बुनने के बाद यहाँ हम फिर ये तीन फंदों को घटाएंगे, जैसा कि हम पिछले राउंड में घटाए हैं। देखिए, ये पीछे आ गया, और ये बीच का जो फंदा है ये सामने आ गया, और ये तीनों फंदों को हम घटाएंगे। ये देखिए, हमने तीनों फंदों को घटा दिया, और ये चोटी बनती जाएगी। और हम दो फंदे फिर से बुनेंगे, एक दो, और यहाँ धागा सामने करके हम जाली बनाएंगे। तो इस तरह जो जाली बनाया हमने, तो एक फंदा यहाँ बढ़ गया। तो देखिए, ये बढ़े हुए फंदे को लेकर के एक दो तीन
चार पांच छह सात, ये सात फंदे की डिजाइन है। और जो बीच का फंदा है, तीन इधर और तीन इधर, ये जो बीच का फंदा है इस पर फंदे घटते जाएंगे, एक इधर से और एक इधर से फंदे घटते जाएंगे। देखिए यहाँ फिर जाली बना और एक फंदा हमने बुना, एक दो तीन, और यहाँ घटेगा, ये तीन फंदे का हमने एक फंदा कर दिया। इसी तरह से ये बनता जाएगा। अब हम आपको इसी डिजाइन को इस पर बनाना बता रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए हमने पहले फंदे को इस तरह से बुन लिया, धागा सामने किया, और यहाँ जाली के ऊपर जाली देखिए ये बनती गई है। इस तरह से हमने एक और ये दो फंदे बनाए और तीसरे फंदे को बुन लिया, और यहाँ ये तीन फंदे घटेंगे। ये देखिए तीन फंदे घट गए, और एक दो, धागा सामने किया, ये तीन, यहाँ दो फंदे घटे हैं, सात फंदे फिर हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये सात फंदे जो 2 घंटे, दो सॉरी दो फंदे जो घटे थे वो दो फंदे दोनों साइड से बढ़ गए हैं। और अब हम फिर से जाली डालेंगे। देखिए ये बीच में जो चैन गई है, यहाँ दोनों साइड से जाली बनती गई है। ये जाली बनी है, ये एक दो तीन, तीन फंदों को बुनने के बाद हम यहाँ इस तरह से तीन फंदे को घटाएंगे, जो बीच का फंदा है उसे सामने करेंगे और सामने के फंदे को पीछे करके इस तरह से हम ये चोटी बनाएंगे। यहाँ फिर से घटेगा, ये जो बीच का फंदा है इसे हम सामने ले आएंगे इस तरह से, और यहाँ हम इस तरह से फंदे, तीन फंदे को घटा दिए, धागा सामने किया, यहाँ एक जाली बनेगा, और पीछे साइड से हम सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। धागा सामने है और हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये देखिए जितने फंदे हैं सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। ये देखिए हमारा पीछे साइड से उल्टे साइड से कंप्लीट हो गया है। उल्टे साइड से हमने उल्टा उल्टा सभी फंदों को बुन लिया है। अब हम सामने साइड आ गए हैं। अब हम सामने साइड से इसे जैसा हमने पहले बनाया उसी तरह से हम फिर बनाएंगे, धागा सामने करेंगे और इस तरह से जाली डालते हुए हमने तीन फंदे बनाए, एक दो तीन, तीन तीन फंदे बनाने के बाद ये तीन फंदों को हम, ये दो फंदों को उतारेंगे, पहला फंदा पीछे किया और ये बीच वाला फंदा है इसे हम सामने कर लिए। और तीन फंदों को हम घटा दिए इस तरह से। ये पूरी बुनाई
इसी तरह से है, आप इसे कार्डिगन में बनाइए, कार्डिगन पूरे कार्डिगन में भी आप इसे इस डिजाइन को डाल सकती हैं और बॉर्डर भी बना सकती हैं इसका। यहाँ घटेगा, यहाँ हमने 3 फंदा घटाना है, ये देखिए 3 फंदे घट गए। यहाँ जाली पड़ेगी, एक जाली बन गई, ये दूसरी जाली बन रही है इस तरह से। और यहाँ एक फंदा बुनने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ हमने घटा दिया। धागा सामने करके यहाँ जाली बनेगी लास्ट फंदे पर, इस तरह से हमने जाली बना दिया। और पीछे साइड से उल्टी बुनाई, पूरे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। ऐसे पूरे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए ये डिजाइन हमारी कंप्लीट हो गई, 2 कलर में बॉर्डर डिजाइन थी हमारी ये। आप इसकी हमने 3 जाली के बाद ये बीच में हरे रंग का धागा लगाया है, 1 2 3, ये 3 जाली के बाद हमने यहाँ धागा बदला है, और 1 2 3 जाली के बाद फिर हमने यहाँ सफ़ेद कलर का धागा लगाया है। तो इस तरह से आप 2 कलर में भी बना सकते हैं और सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। और नीचे का बॉर्डर हमने आपको बताया किस तरह से बनता है। दोस्तों यदि हमारी 2 कलर की कार्डिगन बॉर्डर डिजाइन पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल समृद्धि क्रिएशन को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।